बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक और वर्बल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, और इस बार जो हमने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं वो मैंने तैयार किए थे 4 नवंबर 2024 को, और इसके अंदर मैंने 5 टोटल टेस्ट तैयार किए थे जो कि बड़े ही यानी सिलेबस के मुताबिक थे। ठीक है, तो इसकी डिटेल एक वेबसाइट पेड वेबसाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए बनाई गई है। इसके अंदर किसी भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ कोई पोस्ट वगैरह नहीं आती। यहाँ पर आपको सिलेबस, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल, एकेडमिक, सब्जेक्ट एमसीक्यूज, अगर आप सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जीक्यू। ठीक है, चूंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं, डाउनलोड यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आप पास देखना चाहें तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, मैथ के कुछ एमसीक्यूज है यहाँ पर यूनिट के, और पाकिस्तानी इंग्लिश की कुछ टेस्ट है, फिजिक्स की भी टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री की भी हमने सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ 9th और 10th के जो आपने करना हो, तो हम अभी जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने 2 पर क्लिक किया है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है क्वेश्चन का, ये बहुत ही आला डिज़ाइन है। ठीक है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले टाइमर मैंने आपको दिया है, 10 मिनट का टाइम है आपके पास, 30 क्वेश्चन है टोटल, और ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा येलो टाइप आपको फील होगा, लेकिन जब आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। डिजायर इज टू विश एज फियर इज टू एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैंने ऑप्शन चूज किया है, इसे करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, इसे करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, तो मैंने इसे चूज किया है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कंपोजर इज टू सिम्फनी इज अतर इज टू डैश ऑथर इज टू शॉर्ट स्टोरी प्ले। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले ऑफ द पोइम, पोइम भी होता है प्ले भी होता है, प्ले पोइम से होता है। ठीक है, नॉवल पोइम मैंने लिख दिया है। अगर ये ऑप्शन दुरुस्त हुआ तो ये हमें एंड में दिखा देगा, और अगर गलत हुआ तो ये भी है ये हमें ये भी दिखा देगा कि क्या इसमें दुरुस्त था। इंसेक्ट इज टू हाइव इज फिश इज टू डैश। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ना इनका कीड़ों का, उसको हाइव कहते हैं, फिश का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्विमिंग, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। अगर आप गौर करें, बास्केटबॉल जमीन पर खेली जाती है, बेसबॉल भी जमीन पर खेली जाती है, फुटबॉल भी जमीन पर खेली जाती है, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग हम जाहिर है स्विमिंग पूल में या दरिया में समंदर में खेलते हैं। ठीक, खेलते नहीं है लेकिन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर गौर करें ये बाकी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो हमने स्विमिंग को कर दिया। अ साइकिलिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चलाता है, ठीक है, वो 45 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर करता है। व्हाट इज देयर स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड आई थिंक 30 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया है तो जो उसका यानी 1.5 घंटा और होगा तो उसके अंदर 15 किलोमीटर क्या होगा, तो 30 और 15 मिला के 45 बनते। खैर, ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हमें एंड में पता चल जाएगा कि क्या आंसर था। माउंटेन इज टू हिल, ठीक है, हिल माउंटेन का ही छोटा हिस्सा होता है। और ओशन इज टू सी कर देंगे, ये चलो पॉन्ड भी हो सकते हो लेकिन एंड में पता चलेगा। शिप इज टू सील, सील कहते हैं सेलर, सील। प्लेन इज टू फ्लाई, हवाई जहाज उड़ता है और वो सील करता है। गोल्ड इज टू वेल्थ, और नॉलेज इज टू एजुकेशन या विजडम। अगर किसी के पास सोना हो तो क्या होता है, वेल्थ, वो मालदार होता है, और अगर किसी के पास नॉलेज हो तो क्या होता है, एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन तो आई थिंक मैच नहीं करता। नॉलेज इज टू पावर, नॉलेज इज पावर, नहीं पावर भी नहीं होता यार, आई थिंक विजडम होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास नॉलेज है तो क्या होगा, वाइज होगा। खैर, इसका आंसर भी हम एंड में देख लेंगे। आई इज टू सी, ईयर इज टू हियर, ठीक है, अगर हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, तो कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, वट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर बनती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, अगर 90
किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जा रहे हैं तो 180 किलोमीटर कितने उसमें पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, टेबल, टेलीविजन, सोफा, चेयर। टेबल भी टेलीविजन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फ्लोर, साल्ट, शुगर, पपर। साल्ट, शुगर, पपर, फ्लोर, आटा, ये आटा है और ये सारे मिलाने वाली चीजें हैं। तो फ्लोर आई थिंक शुगर, साल्ट, पपर, ये मिर्ची हैं। तो खैर इसका भी हमें एंड में पता चल जाएगा। वुल्फ इज टू पैक, इज लाइन इज टू हार्ड। मैंने हार्ड पर क्लिक किया है। ग्रुप प्राइड चेक करते हैं एंड में। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ब्रास, कॉटन, स्टील, गोल्ड। गोल्ड डिफरेंट है, कॉटन डिफरेंट है आई थिंक, ठीक है। ब्रास, स्टील, कॉटन, गोल्ड, ये फिर भी सेम मटेरियल है। इफ़ यू रन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, अगर 8 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से हम दौड़ते हैं तो 24 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, 8 या 24, 3 घंटे लगेंगे। इफ़ अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर 3 घंटे में, अगर वट इज स्पीड इन किलोमीटर पर हावर, 50 घंटे होंगे जाहिर है। विच वन इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, चीता, टाइगर, लाइन, गजल। विच वन इज डिफरेंट, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर। ब्रॉन्ज, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज पर मैंने सिल्वर, कॉपर, ठीक है। मैंने गोल्ड पर क्लिक किया है, एंड में पता चलेगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सॉरी, ओनियन, कैरेट, पोटैटो, लेटस। पोटैटो, कैरेट, ओनियन, कैरेट, ओनियन, प्याज, गाजर, आलू, लेटस होगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कैरेट, कोकम्बर, लेटस, एप्पल। एप्पल होगा, ये फल है, बाकी सब्जियां हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, हाइपोथेसिस। मैजिशियन इज टू इल्यूजन, इज सेंटेंस इज टू एक्सपेरिमेंट। वो क्या करते हैं भाई, तजर्बा करते हैं, लेकिन चले इन दो में से भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बनाना, ऑरेंज, टोमेटो, एप्पल। टोमेटो, टमाटर, एप्पल, एप्पल क्या है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये फल है, टोमेटो इस सब्जी में आता है। विच वन इज डिफरेंट, शार्क, डॉल्फिन, ईगल, व्हेल। ईगल, ठीक है, शार्क समंदर में होता है, डॉल्फिन भी समंदर, और जो व्हेल है, व्हेल, ब्लू व्हेल, ये समंदर में होता है। तो ईगल जो होता है ये हवा में उड़ता है। इफ़ अ प्लेन फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फ्लाई 1200 किलोमीटर, ये 2 घंटे लगेंगे। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सॉक्स, शर्ट्स, पेंट्स, हैट। शर्ट, सॉक्स, पेंट्स, हैट, हैट सर पर पहना जाता है, बाकी बाहर की चीज़ें हैं। तो सॉक्स भी, इसका भी हमें आंसर पता चल जाएगा। ट्री इज टू फॉरेस्ट, इज क्लाउड इज टू, अगर ट्री बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जंगल बन जाते हैं। क्लाउड बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, स्काई, रेन, स्काई होते तो स्काई पर है, ये होते तो फॉरेस्ट ही है, वीदर। तो चलो मैंने रेन पर क्लिक कर दिया है, चेक करते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जैम, बटर, ब्रेड, केक। केक डिफरेंट लग रहा है मुझे। हाउ फार कैन अ पर्सन वॉक इन 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, अगर 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो जा रहे हैं तो 4 घंटे में कितना पहुँच जाएगा, 24 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल 2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर, हाउ फार डज इट ट्रेवल, अगर 65 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रहे हैं तो 2 घंटे में कितना सफ़र कर लेंगे, 130 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा स्कोर कितना बना है। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, यू स्कोर्ड 23 आउट ऑफ 30। अब आप ये देखें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था, डिज़ायर इज़ टू विश इज फियर इज़ टू, हमने क्या किया था, हमने किया था एंग्जायटी, जो करेक्ट आंसर किया था ड्रेड, ठीक है। पहले कंपोजर इज टू सिम्फोनी इज अतर इज टू डैश, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो था नॉवल, हमने किया था पोइम। ये हमारा करेक्ट आंसर था स्कूल का, ये भी हमारा करेक्ट था, ये भी करेक्ट था सी, ठीक है। माउंटेन इज टू हिल, हिल माउंटेन का छोटा हिस्सा होता है, और हिल्स यानी उसका पूरा, यानी हिल काफ़ी सारे हिल मिला के माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह सी, कुछ बड़े सी मिला के फिर ओशियंस बन जाते हैं, ठीक है। शिप इज टू सी, प्लेन इज टू फ्लाई, ये भी सही था। ये था पावर, हाँ मैंने कहा था ना कि नॉलेज इज़ पावर, तो ये पावर यहाँ पर
शो करा दिए। पावर दुरुस्त आंसर था, इधर क्या था, फ्लोर शुगर, शुगर डिफरेंट था आई थिंक, ठीक है। बाकी खाने वाली चीज़ें थी, फ्लोर शुगर मीठी चीज़ थी, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वोल्फ इज टू पेक, इज लाइन इज टू प्राइड, यहाँ प्राइड आंसर था। और देखते हैं कॉपर, इसका दुरुस्त जवाब था, हमने क्या किया था, गोल्ड पर क्लिक किया था। और देखते हैं ट्री इज टू फॉरेस्ट, इज क्लाउड इज टू स्काई, हाँ ये बात सही है, अगर क्लाउड यानी जो बादल होते होते तो आसमान में है ना। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि ट्री ट्री बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाते, फॉरेस्ट बन जाते यानी जंगल बन जाते, जो भी हो होते तो जंगल में ही ना, क्लाउड जितनी भी ज़्यादा हो जाए होते कहाँ पर है, आसमान पर होते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने रेन पर क्लिक किया था, तो वो गलत हो गया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिटेक्ट पर क्लिक करें और आप दोबारा इसको रिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारी जो पेड वेबसाइट है पाकिस्तान न्यूज सेलर की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रही है और उनकी अच्छी खासी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर सब्जेक्ट के, अगर आप एकेडमिक मॉक टेस्ट पर, इस पर मैंने लिंक नहीं दिया, यहाँ पर अगर आप इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश के MCQs है, फिजिक्स की तकरीबन यहाँ पर 14 MCQs दिए हैं, ठीक है, 14 MCQs ये हो गए। और अगर आप इधर क्लिक करें फिजिक्स पर, तो यहाँ आपको पर जो 9 और 10 के हवाले से भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप 9 पर क्लिक करते हैं तो 9 में आपको ये देखिए चैप्टर 1, 9 चैप्टर है, 9 क्लास के अंदर कितने चैप्टर होते हैं, 9, तो हर चैप्टर पर क्लिक करोगे तो आपको उसके MCQs मिलेंगे। मैं 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 1 के MCQs आपको मिलेंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 सेकंड का टाइम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर लगे वो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लो, टोटल 18 MCQs मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं पहले चैप्टर के। इसके अलावा मैं आपको आखिरी चैप्टर दिखा देता हूँ, उसके कितने MCQs प्रोवाइड किए हैं, उसके 24 MCQs आपको प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से आप अगर आप मैट्रिक के MCQs सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर 9 चैप्टर हैं। मैं चैप्टर 6 पर क्लिक करता हूँ, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 20 MCQs प्रोवाइड किए हैं, इसके यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो फिजिक्स की हो गए, अब मैं आपको उसके दिखाता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया, ये केमिस्ट्री के 9th पे क्लिक करना है या 10th पे क्लिक करना है, मैं 10th पे क्लिक कर देता हूँ, तो चैप्टर नंबर 13 पर क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर आप देख लें 20 MCQs मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैंने लिखा ही नहीं शायद। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, तो यहाँ पर जो आपको उसका आंसर बनता है आपने क्लिक करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन, तो जो इसका करेक्ट आंसर बनते हैं आपने तैयारी की होगी, तो वो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बेहतरीन बात एक और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने आपको पास्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किए हैं, PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ इस वेबसाइट में है, इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी और जीमेल रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मैं जीमेल पर आपको इनविटेशन लिंक सेंड करूंगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, थोड़ी सी अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी, उसके बाद ये वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे जब तक आपका टेस्ट है आप इसे चला सकते हैं, और जिस दिन आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद मैं आपकी एक्सेस यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।